अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो यार यहाँ पर मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ विच इज़ फॉर योर नेक, फॉर योर नकल्स, फॉर योर एंकल। अगर आप लोगों के गर्दन के ऊपर कोई निशान वगैरह ना, कोई ब्लैक कलर के निशान वगैरह, अक्सर लाइन्स पड़ जाती हैं, यू नो, गर्दन के ऊपर कोई दो तीन रिंग्स पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, या फिर आप लोगों के ये नकल्स वगैरह डार्क हो जाते हैं, ये चीज़ें या फिर ये चीज़ें, तो ये जो क्रीम है ना, ये इतनी कोई बेस्ट है ना, ये आप लोगों ने ज़्यादा देर यूज़ भी नहीं करनी और आप लोगों के इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, तो आप लोगों के ना ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो अंडर वन वीक और टू वीक ना सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा बहनें कह रही थी कि ये वाली क्रीम शेयर करें जिससे हमारे नकल्स वगैरह या फिर हमारी गर्दन जो है या फिर आप लोगों का कोई भी डार्क पार्ट है ना, लाइक आप लोगों के अगर गोटे शोटे काले हैं या फिर किसी की ये कोनी होती है वो काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है ना, डार्कनेस की तरफ जाने लग जाती है या फिर नकल्स वगैरह ब्लैक होने लग जाते हैं, तो इस सब के लिए ना ये क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिर्फ फेस पर यूज़ नहीं करनी या फिर आप लोगों ने आपके प्राइवेट पार्ट्स पर यूज़ नहीं करनी, ठीक है, बाकी आप हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों को लगे ना कि आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सी क्रीम हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और साथ में बताती हूँ कि क्या क्या हमने इसके अंदर डालना है ना। हम ले लेते हैं एक बाउल और साथ में जनाब हम ले लेते हैं एक चम्मच, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे हाफ जो है ना वो ये ग्लिसरीन, मतलब कि आधा ये जो है ना 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन का, ठीक है। और जनाब जो इसकी मेन क्रीम है ना जिसके अंदर जाएगी जो अपना काम दिखाएगी वो है ये डर्मोक्वीन, ठीक है। ये आपने 4% वाली लेनी है डर्मोक्वीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को सही से दिखा देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए इस तरह की है, ये देखें स्किन ब्लीचिंग क्रीम है ये, ठीक है। और जनाब यहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाएगी 120 रुपये की, शायद ये मिल जाएगी, देखिए इसके प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पर 120 रुपये की, या फिर हो सकता है आपके पास जो फार्मेसी हो वहाँ से आप लोगों को अंडर 100 मिल जाए, ठीक है। तो जनाब ये देखें हमने ये क्रीम यूज़ कर लेनी है। तो जनाब यहाँ पर देखिए इसके डायरेक्शंस लिखी हुई हैं और प्रिक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लें। ये वही कुछ के बच्चों की पोंछ से दूर रखें और इसको सनलाइट से बचा के रखना है और हीट और मॉइस्चर से बचा के रखना है। और जनाब यहाँ पर ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ठीक है, ये आपने कहीं मुँह के अंदर नहीं लगा लेनी। और जनाब यहाँ पर हम इसे डालते हैं अब ग्लिसरीन के अंदर, और आप लोगों को ना इसका तरीका भी बताती हूँ कि आप लोगों ने ना इसे किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, ये देखें ये बंद है ना, इसे हमने ओपन कर लेना है। और जनाब हमें चाहिए ये, ये देखें जी हमने ना 1 टीस्पून ये ले लेनी है क्रीम, ठीक है, डर्मोक्वीन क्रीम ले लेनी है, और ये जो है ना 1 टीस्पून ही हमने ले लेनी है ग्लिसरीन। अब इन दोनों को हमने ना अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और इसको लगाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी, और जनाब आपकी जो स्किन है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके अगर नकल्स वगैरह ब्लैक होने लग गया ना, या फिर आपकी गर्दन का बहुत ज़्यादा लोगों को इशू होता है कि पीछे से ना उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ जाने लग जाती है, तो ये जो है ना ये उससे बहुत ज़्यादा ना उसमें आपकी हेल्प करेगी क्रीम जो है, और इसकी खुशबू बहुत मज़े की है। और मैं आप लोगों को फेस के लिए भी बताऊंगी अगर आपने लगानी है तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को आपके डार्क पार्ट्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ये आपने ना इस तरह से लगानी है, जहाँ पर भी आपको डार्कनिंग का इशू है ना आपने वहाँ पर अच्छे से ना ये अब्जॉर्ब कर लेनी है इस तरह से। आपने इसे लगा नहीं रहने देना, ठीक है, ये देखें इस तरह से लगा के ना आपने इसे 30 से 40 मिनट्स के लिए आपने ऐसे ही रहने देना, उसके बाद आपने वाइप ऑफ कर लेना, ठीक है। आपने इसे ना धो देना है, आपने इसे कोई ज़्यादा देर के लिए अपनी स्किन के ऊपर नहीं छोड़ना, इसे इस तरह से लगाना है और आपने उसके बाद ना इसे वॉश कर देना, ठीक है। और जनाब आपने इसे जो है ना वो फिर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना अपनी स्किन को, और जनाब यू आर गुड टू गो, आपने फिर जहाँ पर भी जाना आप चले जाए, या फिर आपने अगर नाइट टाइम लगानी है तो आप नाइट टाइम भी लगा सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मॉइस्चराइज करें और उसके बाद सो जाएं आप लोग, तो इससे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ना ये होता है कि लोग ना बहुत उतावले हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें होता है कि हम एक दफा यूज करेंगे ना तो हमें फौरन से रिजल्ट मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ये क्रीम आप लोग एक हफ्ता अगर यूज करते हैं ना तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ना इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आप लोग किसी भी क्रीम को ना सेफ वे से यूज करते हैं ना तो आप लोगों को ना बेनिफिट ही होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीनी भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फिर जहर बन जाती है, इसी तरह अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा एक चीज को यूज करते रहते हैं ना तो वो भी फिर आप लोगों के लिए जहर ही बन जाती है, वो कोई अच्छी चीज भी आप लोग लगा रहे हैं ना तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, फिर जब आप बहुत ज्यादा
ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे। तो ये क्रीम इसी तरह आपने यूज़ करनी है, ठीक है। जब आप लोगों को आपके रिजल्ट मिल जाएंगे ना, आप इसे स्किप कर देना। ये नहीं है कि आप लोगों ने लगाते जाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ग्रीडी नहीं होना आप लोगों ने, जिंदगी में चाहे जो मर्जी बन जाए लेकिन आप लोगों ने कभी लालच नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि लालच करने से ना किसी का कभी भी कुछ नहीं बना, तो आप लोगों का रंग भी गौरा नहीं होना लालच करने से। इसलिए ना अपना डिजायर रिजल्ट जब आप लोगों को मिल जाएगा, आपने ना ये स्किप कर देनी है, ठीक है, इसे कंटिन्यू नहीं रखना। तो जनाब आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और मस्ट ट्राई इट, ओके। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है नकल्स वगैरह के लिए, नेक के लिए और ये एंकल्स के लिए, फीट के लिए। तो ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों को डार्कनिंग का इशू है ना, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जनाब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसे ना एक बॉक्स में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो ना इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब आपकी ख़त्म हो तो आप लोग दोबारा बना लेंगे, या फिर आप लोग इसी क्वांटिटी को ना डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने ना बस लगाना उसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, चंगी तरह ला लेनी है, कोई चीज़ नहीं अंदर छोड़नी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब जनाब हम इसे यूज़ करेंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर रख लिया, और ये जो बाकी रह गई है ना, ये मैं अभी कोई अपनी गर्दन शर्दन पे लगा लेती हूँ, और इसको भी हम महफूज कर लेते हैं अपने पास, ये भी हम लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ ना रिजल्ट ज़रूर मस्त शेयर करना, अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो, और ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना, ठीक है।